हम लोग एनसीईआरटी के फिजिकल वाले पार्ट का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन आज शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला बात हमारे पास आता है कि हम सॉल्यूशन कहते किसको है। ऐसे सॉल्यूशन वर्ड और इससे कुछ रिलेटेड बातें तुम ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किए हुए हो, जिसमें पढ़े होगे तुम सॉल्यूशन के बारे में और उसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स से। तो जो ऑलरेडी एक ये पार्ट जो है कंसंट्रेशन टर्म्स का वहां डिस्कस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास मिलता है, तो उन बातों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला बात हमारे पास यही आता है कि आखिर हम सॉल्यूशन कहते किसको हैं। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को, समझना गौर से, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक दूसरे से होमोजीनियसली मिक्स करते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर होमोजीनियसली मिक्स्ड, देन द प्रोड्यूस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम एक दूसरे से होमोजीनियसली मिलाते हैं, तो उससे जो प्रोड्यूस मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बात आता है, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं होमोजीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन थ्रू आउट सेम। कंपोजिशन थ्रू आउट सेम का मतलब क्या हुआ कि वंस दे आर मिक्स टुगेदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल और केमिकल मीन। मतलब किसी भी प्रोसेस के थ्रू, मतलब सिंपल ऐसे समझो इसको कि हमने दो कंपोनेंट को मिला दिया, मिला के अगर वो सॉल्यूशन बना है, इसका मतलब है कि दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या है? वो होमोजीनियस है। समझ आ रहा? होमोजीनियस का मतलब एक बार मिला दिया गया तो उनको एक दूसरे से अलग उस फॉर्म में नहीं किया जा सकता है जिस फॉर्म में उनको हमने मिला रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग चीनी और पानी को ही मिला दिए, हमने शुगर को और वाटर को मिक्स किया और हमने शरबत बना दिया, मतलब शुगर सिरप का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा? वाटर और शुगर को मिक्स किए और हमारे पास बन गया क्या? शुगर सिरप बन गया। तो अब जो शुगर सिरप बना, तो एक बार जब शुगर सिरप हम बना दिए, तो शुगर सिरप में से अब शुगर को और वाटर को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने डिजॉल्व किया है, उस फॉर्म में उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। बात सबको समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा बात? वाटर को और शुगर को हमने मिला दिया, शुगर सिरप बन गया, यह सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि उनको एक बार जब हम मिला दिए तो उनको एक दूसरे से हम अलग कभी भी उस फॉर्म में नहीं कर सकते जिस फॉर्म में हमने उनको डिजॉल्व किया है। कहने का मतलब यह हुआ कि तुम अलग करने भी जाओगे तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा? तुम मान लो हीटिंग किए, तो हीटिंग करोगे तो क्या होगा? पानी वेपराइज होके हटेगा। तुमने पानी, वाटर को किस फॉर्म में डिजॉल्व किया है? लिक्विड फॉर्म में। और सेपरेट किस फॉर्म में कर रहे हो तुम? वेपर फॉर्म में। तो जिस फॉर्म में डिजोल्व किया उस फॉर्म में हुआ अलग? नहीं। तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि वो कंपोजिशन होमोजेनियस है। समझ में आया बात? सो वंस दे मिक्स टुगेदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। इट मींस दैट दे आर होमोजेनियसली मिक्स्ड, एंड होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। इतना बात सबको समझ में? चलो, तो थोड़ा सा इसको पहले मेंशन करते हैं। लिखेंगे When two or more substances are homogeneously mixed, two or more substances are homogeneously mixed, then the produced mixture
इज कॉल्ड सालूसा, प्रोड्यूस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। या होमोजीनियस वर्ड का मतलब हम समझ सकते हैं, होमोजीनियस का मतलब यह हुआ, होमोजीनियस जो वर्ड हमने यहाँ पे मेंशन किया है इस लाइन का मतलब यही हुआ कि मीन्स मीन्स वंस दिस सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर टुगेदर कैन नॉट बी सेपरेटेड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि वो कंपोजिशन क्या है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस का मतलब हो गया कि एक बार जब उनको मिक्स कर दिए तो उनको एक दूसरे से केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड होमोजीनियसली देन द प्रोड्यूस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब मिलाने के बाद उनको एक दूसरे से उस फॉर्म में अलग नहीं कर सकते जिस फॉर्म में हमने उसको डिजॉल्व किया है। इतना बात समझ में आ रहा? सॉल्यूशन बनाने के समय हम जिन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से, जिन सब्सटेंस को मिक्स किए एक दूसरे से, उन सब्सटेंस को हम कलेक्टिवली कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मान लो दो या दो तीन चार पांच जितने भी सब्सटेंस को मिलाए हैं होमोजीनियसली, वो जितने भी सब्सटेंस हैं जो सॉल्यूशन बनाने में इन्वॉल्व हुए हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा, द सब्सटेंस मिक्स्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, द सब्सटेंस मिक्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन are said to be component of solution, इसको हम component of solution कहेंगे। A substance mixed during formation of solution are said to be component of solution. बात समझ में आ रहा है? वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, अब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन पे आ जाओ, वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जिसके पास एबिलिटी हो दूसरे को अपने में डिजॉल्व करने की, वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जिसके पास एबिलिटी हो दूसरे को अपने में डिजॉल्व करने की, उनको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। और उसको छोड़ के बचे हुए जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको कलेक्टिवली हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। क्लियर है बात? जिसको जिसके पास दूसरे को अपने में घुलाने की क्षमता हो, जिसके पास दूसरे को अपने में घुलाने की क्षमता हो और इस क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तुम लोग
फिजिक्स में पढ़ भी रहे होगे, फिजिक्स में जब कैपेसिटर पढ़ोगे तो वहां पे तुमको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट वहां पे आएगा। बेसिकली डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारे हैं ये होते क्या है, ये पोलारिटी को मतलब पोलारिटी का मेजरमेंट कराते हैं कि कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को किस एक्सटेंट से आयोनाइज करके अपने में घुला रहा है। समझ आ रहा, ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मेजरमेंट है किसी भी सब्सटेंस का कि वो किस एक्सटेंट से दूसरे सब्सटेंस को आयोनाइज करके अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है। समझ में आ रहा है। सो स्वाभाविक है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके पास एबिलिटी होगी दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व करने की। समझ में आ रहा है। और जो अपने में डिजोल्व कर लेगा दूसरे को उसको हम बोलेंगे कि वो सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां मेंशन करेंगे वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का, दोज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which having ability to dissolve, ability to dissolve other in it called solvent। एक टर्म हम लोग यहाँ पे बताए अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक वर्ड हम यूज करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्वांटिटी, एक ऐसा क्वांटिटी जो हमको किसी भी सब्सटेंस मतलब कोई सब्सटेंस दूसरे को अपने में किस एक्सटेंट से डिजोल्व कर रहा है इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस फिजिकल पैरामीटर, जिस पैरामीटर का यूज करेंगे वो पैरामीटर हमारा कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब एबिलिटी टू डिजॉल्व अदर्स इन इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये बेसिकली ये एबिलिटी मतलब वो एबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का जो एक्सप्रेस मतलब जो किसी भी सब्सटेंस को दूसरे को अपने में डिजॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसी को एक्सप्रेस किया जाता है किसके टर्म में, मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो क्वांटिटी का यूज करते हैं वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। समझ आ रहा है। मतलब एक बार फिर रिपीट कर दे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब किसी भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी जिसके थ्रू दूसरे सब्सटेंस को पोलराइज करके, आयनाइज करके उसको अपने अंदर डिजॉल्व करा ले, इसी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम यूज करते हैं वही क्वांटिटी हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है। तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड आया है तो इसका थोड़ा सा हमने इस बात को एक्सप्रेस किया है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा बात अब यहाँ से समझ में आ गया कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। क्यों? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वो दूसरे को अपने में डिजॉल्व कर लेगा। समझ में आ रहा है। चलो एक्सेप्ट इसके बाद कहता है वो कंपोनेंट जो हुआ सॉल्यूशन का जो दूसरे को अपने में डिजॉल्व किया वो सॉल्वेंट है। एक्सेप्ट सॉल्वेंट रेस्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन rest all component of solution are collectively called collectively
कॉल्ड सॉल्यूट, कलेक्टिवली कॉल्ड सॉल्यूट, कलेक्टिवली कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन जो हमारा है, अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली दो पार्ट का, मतलब हम सिंपल कह दें कि अगर कोई सॉल्यूशन है, हम इस बात को समझा दें, इस बात को हम वन बाय वन हम मेंशन करते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसके पास दूसरे को अपने में डिजॉल्व करने की क्षमता हो, और ये जनरली ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, और सॉल्वेंट एंड यूजुअली प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। क्लियर है बात? जबकि ये उसको छोड़ के बचा हुआ जो भी रहेगा उस सब को कलेक्टिवली तुम क्या बोलेगा, सॉल्यूट बोलने वाला है। क्लियर है बात? अब इस चीज को अगर तुम गौर करोगे, देखो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, ये हमने कहा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ व्हाट, ऑफ ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सिंपल कह दें ये हमारे सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। हमने कहा सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में अंतर क्या हुआ, तो ये जो हमारे होंगे, सॉल्यूट कौन है, तो दो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये ऐसे कह सकते हो, ये कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच गेट डिजॉल्व, जो डिजॉल्व होगा वो हमारा कौन है, इज कॉल्ड सॉल्यूट, जो डिजॉल्व हुआ वो हमारा सॉल्यूट है। जबकि वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जिसके पास दूसरे को घुलाने की क्षमता हो, मतलब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच हैविंग एबिलिटी टू डिजॉल्व अदर्स, जो दूसरे को डिजॉल्व करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, और ये क्षमता आया कहां से, इसकी क्या होगी, हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, इसी कारण से ये दूसरे को अपने में हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण से ये दूसरे को अपने अंदर डिजॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो ये दूसरे को अपने में डिजॉल्व अगर कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जबकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इसकी क्या होगी, कम होगी। एक बात और समझोगे, इसमें हमने कहा सॉल्वेंट जो हमारा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जिसके पास एबिलिटी हो डिजॉल्व करने की, और इनकी डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट जनरली ज्यादा होंगे, और वो जनरल केसेस में जनरली ये ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाएंगे, जनरली प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, मोर क्वांटिटी में पाए जाएंगे सॉल्यूशन में, जबकि ये जो होंगे ये जनरली लेस क्वांटिटी में, जनरली प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। मतलब एक बार हम समझा दे, समझो एक बार फिर से रिकॉल कर दे, फिर से सुन लो, सॉल्यूशन है क्या, ए होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, होमोजीनियस मिक्सचर और
सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। इस लाइन का मतलब यह हुआ, मतलब हमने कहा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम होमोजेनियसली मिलाए तो हम उसको सॉल्यूशन बोले। अब वो जो सब्सटेंस है वो एक बार मिला दिया गया तो एक दूसरे से अलग नहीं हो तो होमोजेनियस बोल रहे हैं। अब इसमें जितना भी सब्सटेंस को मिलाए हो सबको कलेक्टिवली तुम क्या बोले हो, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बोले हो। वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसके पास दूसरे को अपने में घुलाने की क्षमता हो उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और उसको छोड़ के बचा हुआ जितना भी कंपोनेंट होगा सबको कलेक्टिवली हम सॉल्यूट बोलेंगे। घुलाने की जो क्षमता है उसका एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको छोड़ के बचा हुआ जितना भी कंपोनेंट है वो हमारा सॉल्यूट है। तो अल्टीमेटली हमने एक्सप्रेस किया कि सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जहां पे सॉल्वेंट वो होगा जो दूसरे को अपने में डिजॉल्व करेगा। इसका कारण है कि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगी और ये जनरली सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, जबकि सॉल्यूट हमारा कौन होगा, तो ये हमारे कौन होंगे जो दूसरे में डिजॉल्व होंगे। डिजॉल्व दूसरे में होने का कारण है कि उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है और ये हमेशा सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में पाए जाएंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इज जनरली greater than that of solid or gas. Hence, liquid, तो हम कह रहे थे binary solution, by का मतलब हो गया दो, binary का मतलब हुआ दो component, दो component में से एक component solute है, दूसरा component हमारा solvent है, क्योंकि एक जो ज्यादा होगा वो कोई एक ही होगा, तो दो में एक solute हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया। यहां जाओ, टर्मरी का मतलब हो गया कि टोटल जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। सो अंडरस्टूड है, यहां पे भी जाओगे तो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट कर लिया जाए तो सॉल्यूट हमारा कितना होगा, सॉल्वेंट कोई एक ही होगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, और सॉल्यूट कितना होगा, 2 होगा। तो यहां से अगर हम चलेंगे तो टर्मरी सॉल्यूशन में जाओ तो ये इधर पे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर ORS का घोल बना दिए, है ना, तीन कंपोनेंट को मिला दिए, तो ये सॉल्यूशन जो बना, मतलब शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये हो गया शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब हो गया शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये दो कंपोनेंट हो गया सॉल्यूट और एक जिसमें डिजॉल्व हुआ वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। तो बाइनरी टर्नरी, इसी तरह से क्वार्टनरी पेंटानरी बहुत हो सकता है, लेकिन कम से हमको याद रखना है बाइनरी। ज्यादातर जैसे हमने कहा आयोडीन बेंजीन सॉल्यूशन, तो ये कै कंपोनेंट है, दो, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बाइनरी की ही बात करेंगे, कभी कभी हमको इसमें टर्नरी सॉल्यूशन मिलने वाला है, समझ में आया बात। चलो तो एग्जांपल लिख लेंगे, ये पहला बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट डिजॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है बात। अब बात आता है हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोचो सॉल्यूट हमारा जो है, सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही बात। सॉल्यूट भी सॉल्यूट मतलब ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट
सॉल्यूशन आर ऑफ सॉल्यूशन आर ऑफ नाइन काइंड। सॉल्यूशन हमारे नौ तरह के होने वाले हैं, किसके अनुसार से? स्टेट, मतलब सॉल्यूट है हमारा, तो सॉल्यूट या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। इवन 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 हम बात करेंगे किसका? सॉल्वेंट का। तो हमारे सॉल्वेंट भी क्या हो सकते हैं? ये भी हमारे सॉलिड, लिक्विड लिक्विड या गैस हो सकते हैं। तो सॉल्यूट भी हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो ऑन द डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आर ऑफ नाइन काइंड। सॉल्यूशन हमारे कितने तरह के होंगे? नौ तरह के। किसके अनुसार से? डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ये स्टेट है इसका, स्टेट ऑफ सॉल्यूट हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब इसके डिफरेंट स्टेट के अनुसार से अलग अलग स्टेट को मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे तो अपने पास नौ दो पॉसिबिलिटी आएगा सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो इसके साथ तीन ऑप्शन होगा, या तो हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉलिड सॉलिड, या दूसरा हो हमारा कौन, ये सॉलिड हो और सॉल्यूट लिक्विड हो, या तीसरा हो सकता है ये सॉलिड है और ये हमारा क्या हो, गैस हो। तीन ऑप्शन हो गया, कौन कौन? सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड, तीन ऑप्शन हो गया। फिर इसी तरह से अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो भी तीन ऑप्शन हो गए, या हो गया क्या, सॉलिड लिक्विड, फिर हमारा हो गया कौन सा, लिक्विड लिक्विड, और फिर हमारा हो गया यहाँ क्या, ये हो गया गैस लिक्विड, तीन ऑप्शन हो गए। मतलब सॉल्वेंट लिक्विड हो तो फिर तीन ऑप्शन हो गए, फिर हमारे पास कौन आएगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो फिर यहाँ तीन ऑप्शन हो गए, सॉलिड, फिर या तो हमारे कौन होंगे, लिक्विड, और या हमारे ये कौन होंगे, ये गैस होंगे, मतलब गैस गैस और ये गैस हो गए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डिफरेंट काइंड के अनुसार से हमारे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अलग अलग तरह के होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये सॉलिड सॉलिड एक हो गया इधर सॉलिड, फिर लिक्विड सॉलिड हो गया, फिर हमारे पास कौन हो गया, गैस सॉलिड हो गए, फिर हमारा हो गया क्या, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, फिर हमारा हो गया गैस लिक्विड, फिर हमारा हो गया सॉलिड गैस, फिर हो गया हमारा लिक्विड गैस, और फिर हमारा हो गया कौन सा, गैस गैस। क्लियर है बात? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन की नाइन पॉसिबिलिटी जा सकती है, सामने दिख रहा। अब अगर तुम इस बात का जिक्र करोगे तो अभी जस्ट हमने बताया क्या कि जैसा सॉल्वेंट होगा, जिस स्टेट में सॉल्वेंट होगा उसी स्टेट में कौन होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में होगा, अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा, और अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो सॉल्यूशन भी हमारा गैसियस स्टेट में होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो पॉसिबिलिटी वाइज अगर हम चलेंगे तो सॉलिड सॉलिड मिक्स करके कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ये हमारे जो है ये हमारे कौन हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉलिड, ये हो गया लिक्विड सॉलिड, ये हो गया गैस सॉलिड, लेकिन तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे सॉलिड सॉल्यूशन ही है, सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन हमारा तीन तरह का हो गया, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड। क्लियर है बात? यहाँ पे लिक्विड है तो सॉल्यूशन हमारा कौन होगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ये अगर मिक्स करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया, और गैसियस सॉल्यूशन में भी तीन ऑप्शन हो गए, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस और गैस गैस। क्लियर है? तो अपने पास पॉसिबिलिटी हो गई सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन हमारे जो हो गए वो सॉल्यूशन हमारे नौ तरह के हो गए। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? सॉल्यूशंस आर ऑफ नाइन काइंड। कुछ इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लो, तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारा है वो एग्जांपल होता है कौन, एलवाइज। जितने भी एलवाइज है,
एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय क्या होता है? जैसे ब्रास हो गया, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब क्या है? ये सब एलॉयज हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं। तो मिक्सचर ऑफ मेटल जैसे गोल्ड को और सिल्वर को मिक्स कर दिए, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट हो गया, जो लेस क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी एलॉयज हो गए, जैसे हमारे ब्रास हो गए या स्टील हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो है ये हमारे क्या होंगे? सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। सॉलिड सॉल्यूशन के, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का भी एग्जांपल, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है एमलगम। कौन? एमलगम। तो एमलगम हम कहते किसको है? तो याद रखेंगे कि कभी भी जब मेटल को, किसी भी मेटल को जब हम मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एमलगम। क्या बोलते हैं? एमलगम किसको बोलते हैं? किसी भी मेटल को मरकरी के साथ, मरकरी को जब मेटल से मिला दोगे तो उस समय जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एमलगम। जैसे सोडियम एमलगम, मतलब सोडियम प्लस मरकरी। समझ में आ रहा? जिंक एमलगम, मतलब जिंक प्लस मरकरी। डेंटल एमलगम, जनरली सिल्वर गोल्ड, पहले क्या होता था, सिल्वर से टीथ में जो कैविटी, दांत में जो कैविटी हो जाता था उसको फिल करने के लिए पहले डेंटल एमलगम के रूप, अब तो सिरेमिक्स आ गया है तो एकदम टीथ के कलर का ही फिल हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले सिल्वर एमलगम यूज किया जाता था। तो सिल्वर मतलब गोल्ड, ये गोल्ड का है, सिल्वर को यूज करके सिल्वर और मरकरी को मिक्स करके और तब उसको फिल किया जाता था, क्लियर? उसको डेंटल एमलगम बोलते हैं। तो एमलगम का मतलब यहाँ पे कौन हो गया? Na प्लस Hg हो गया। यहाँ पे कौन हो गया? Zn प्लस Hg हो गया। ये सिल्वर प्लस Hg हो गया। ये सारे के सारे हमारे कौन है? ये एमलगम हो गए। और ये एमलगम हमारे एग्जाम्पल है किसके? लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है लोगों? तीसरी बात अगर कर लो, गैस को हमने सॉलिड में मिला दिया। इसमें एक ग्रुप के मेटल्स हमारे जो ज्यादातर हैं, जैसे प्लैटिनम निकेल, ये सब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनके सरफेस एरिया जो होते हैं वो पोरस होते हैं। मतलब सरफेस एरिया उनका जो होता है वो, उनके पास एबिलिटी होती है कि गैसियस मॉलिक्यूल को अपने ऊपर वो एडजॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो जैसे हाइड्रोजन गैस ही मान लो है, उसमें हमने प्लैटिनम को पुट कर दिया, मतलब एक जार में, एक बोतल में हम हाइड्रोजन गैस भरे हुए हैं और उसमें हम प्लैटिनम का वायर डाल दें, तो प्लैटिनम के वायर के ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जाके एडजॉर्ब हो जाता है, उसके ऊपर जाके वो मिक्स हो जाता है। तो मिक्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो गैस किसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है? तो सॉलिड का मतलब ये हो गया H2 plus Pt हो गया, H2 plus Pd हो गया, H2 plus Nickel हो गया, यहाँ पे क्लोरीन विथ प्लैटिनम हो गया, कुछ भी, ये सारे के सारे जो हो गए, सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सॉलिड विथ गैस इन सॉलिड हो गए। ये तीन बात समझ में आ गया, सॉलिड लिक्विड सॉलिड और गैस सॉलिड, ये तो क्लियर हो गया। ये हाइड्रोजन गैस और प्लैटिनम गैस, और ये हो गया सॉलिड गैस सॉलिड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में अपने पास तीन, सॉलिड लिक्विड, इसका कॉमन एग्जांपल अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, कौन सा? शुगर सिरप। ये शुगर सिरप भी पढ़े या सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर दिए, सब क्या हो गए? ये हमारा कॉमन एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड का। लिक्विड का एग्जांपल ले लो तो हमारा कौन हो गया? एल्कोहलिक सॉल्यूशन में क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल को हमने क्या किया? वाटर में ही डिजोल्व कर दिया। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो वो अल्कोहल लिक्विड को मिक्स किया तो वो हमारा हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होगा? तो हम सॉफ्ट ड्रिंक जो यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो कार्बोनेटेड वाटर है यूज करते हैं लोग,
जो सोडा वाटर यूज करते हैं, है ना, तो ये हो गया कौन सा, कार्बोनेटेड वाटर। जो सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर में कौन हो गया, सीओ टू और प्लस एच टू, ये कार्बोनेटेड वाटर हो गया। सॉलिड इन गैस, अगला आता है गैसीय सॉल्यूशन में सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारा होगा डस्ट पार्टिकल इन एयर। कोई भी एयर में, कोई भी गैस में डस्ट पार्टिकल मिला हुआ है। या और एग्जाम्पल जाओ, जैसे कैम्फर पार्टिकल, कपूर, कपूर को जब हम बाहर रखते हैं तो क्या होता है, एस्केप कर जाता है, वो डायरेक्ट वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट, वो वेपराइज नहीं, सुनना एक बार इसको दिमाग में बैठा ना, वेपराइज नहीं कर रहा है वो, वेपराइजेशन का मतलब समझ रहा है ना, हीट करके भगा रहे हैं, तो हमको हीट करने की आवश्यकता है, कपूर को ऐसे ही रख देगा वो उड़ गया, मतलब वो उसी सॉलिड फॉर्म में ही वो एटमोस्फेयर में मिक्स हुआ है। अगर हम हीट करते या उसको जलाते और तब वो वेपर में कन्वर्ट होकर मिक्स होता तो गैस हो जाता। यहाँ कपूर को हम रख दिए, कपूर खुद उड़ गया, उड़ के जाके मिक्स हो गया कहाँ पे, एटमोस्फेयर में। तो कैम्फर पार्टिकल्स इन एयर या डस्ट पार्टिकल इन एयर, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारा सॉलिड गैस सॉल्यूशन का है, मतलब डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर या हो गया कैम्फर, कैम्फर पार्टिकल्स इन एयर, पार्टिकल्स इन एयर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यही अगर तुम बात करेगा लिक्विड, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, तो इसका कॉमन एग्जाम्पल ही हम लोग डिस्कस करते हैं मॉइस्चर, मॉइस्चर इन एयर, ह्यूमिडिटी, है ना, मॉइस्चर वाटर फॉर्म में ही, डायरेक्ट वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमोस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, ये हमारे कौन हो गए, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर, या तुम कह सकते हो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी है, वो भी डायरेक्ट रख दोगे तो क्या होता है, उड़ जाता है, ड्राई आइस भी हो सकता है, मतलब वो वेपराइज जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाए, किसमें, वो गैस में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, वो उसी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में नहीं जा रहा है, क्लोरोफॉर्म ही देखता है वो, ट्रेनवा उरेनवा में देखेगा वो सुंगा देता है, सुंगा दिया उन्हें देता है कि हर दिन 10 दिन पे पेपर में आया कि फलन्मा के सुंगा के लूट ले गया और मृत अवस्था में ट्रेन के पटरियों पे पाया गया, नहीं पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, रुमाल, रुमाल नहीं उसमें क्या करेगा, छीट के लगा सुंगा दिया गए काम से, तो कौन चीज है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट वो क्या हो रहा है, वो एस्केप करके एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, तो लिक्विड उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म जो हमारे होगा, इसी में हमने कहा, और क्लोरोफॉर्म इन एयर, ये हमारे जो है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, लिक्विड गैस सॉल्यूशन के। और गैस गैस किसी भी दो गैस के मिक्सचर को हम लेके चलेंगे गैसीय, वो सारा का सारा, सारा का सारा हमारा क्या होगा, ये गैसीय सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। इसमें इसमें जैसे हमने O2 को N2 के साथ मिक्स कर दिया या किसी भी दो गैस को मिलाएंगे तो डेफिनेटली वो हमारा गैसीय मिक्सचर होगा। इतना बात समझ में, पॉसिबिलिटी थोड़ा सा सुन लेगा, 1 मिनट सब, पॉसिबिलिटी अपने पास 9 तरह की हो गई, लेकिन हमने एक वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका होता है, लिक्विड का, किसका, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा दूसरे को अपने में डिजोल्व कर सकता है। तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट की ज्यादा, मतलब लिक्विड की ज्यादा है, इस कारण से लिक्विड के पास एबिलिटी होगी किसी को भी अपने में ज्यादा डिजोल्व करने की। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इसमें कौन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन सबसे बढ़िया होगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो सॉल्यूशन तुमको दिख रहा है, ये 3 गो जो तुमको दिखा, यही 3 गो हमारा कौन है, ट्रू सॉल्यूशन है।
तो याद कर, तुम्हारे एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, हमने लिखा है लिक्विड सॉल्यूशन। याद होगा चैप्टर का नाम हम शुरू किया लिक्विड सॉल्यूशन से। तो लिक्विड सॉल्यूशन मतलब अंडरस्टूड है सॉल्यूशन। एक बात अब दिमाग में बैठा लो, पॉसिबिलिटी अपने पास 9 तरह की है, लेकिन एक्चुअल में उसमें सॉल्यूशन केवल और केवल 3 गो है। कौन? सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, यही हमारे ट्रू सॉल्यूशंस है। तो इस चैप्टर में जब मतलब हम जनरल बोलचाल के भाषा में भी अगर हम बोलते हैं सॉल्यूशन, तो अंडरस्टूड होता है कि हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये अंडरस्टूड होता है कि हम बात लिक्विड सॉल्यूशन की कर रहे हैं, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड की ही बात कर रहे हैं। और जितने भी तुमको दिख रहे हैं ये और इधर वाले जो पार्ट हैं, ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के पार्ट हो जाएंगे, जहां पे हम कोलोइड और सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कोलोइड्स और सस्पेंशन हेटेरोजेनियस कंपोजिशन हो जाएंगे, हो जाते हैं, इस कारण से वो वहां पे डिस्कस किए जाएंगे। मतलब इस चैप्टर का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो इस चैप्टर में हम केवल और केवल इन्हीं के बारे में बात करते हुए नजर आने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात यहां तक? ये बात सबको समझ में आ गया? अब देखो, तो अभी हमने एक वर्ड यूज किया यहां पे कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब ये हमने एक मेंशन किया कि ट्रू सॉल्यूशन इज इज लिक्विड सॉल्यूशन। हमारा ट्रू सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ कि ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हो गया ये हमारा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, और लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया यहां पे कौन? तो ये हो गया हमारा कौन? तो सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा हो गया लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा हमारा हो गया कौन? गैस इन लिक्विड। तो इस चैप्टर में हम इसी को डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर है बात? और ये अब एक बात समझो, तो जब हम सॉल्यूशन बोलेंगे तो हम समझेंगे ट्रू सॉल्यूशन। अब बात आता है, एक बात तो हमारा क्लियर है कि सॉल्यूशन बेसिकली बना हुआ किसका है? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो अब बात आता है कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? बनावट। तो सॉल्यूशन बना किसका है? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो कितना सॉल्यूट, ऐसे क्लासिफिकेशन का ये दूसरा बेसिस रहा, और भी बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमारा सॉल्यूशन का 3 काइंड का होगा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 3 तरह का हो गया। ये दस इसके बाद जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंज के अनुसार से सॉल्यूशन हमारा 3 तरह का होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये क्लासिफिकेशन जहां जैसे जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे वहां पे इसका जिक्र करेंगे, जब हम हेनरीज लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे वहां पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहां हम 2 ही की बात किए हैं, आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ता है जहां पे जिसकी आवश्यकता होगी वहां डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब एक बात समझो, हमने कहा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बना हुआ है किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन बनाने के समय, सॉल्यूशन बनाने के समय कितना सॉल्यूट को हमने कितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया? सॉल्यूशन बनाने के समय हमने कितने सॉल्यूट को कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, या गिवेन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन। समझ में आ रहा है? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में है या कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में है, इसको बताने के लिए, इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉल्यूशन के कंपोजिशन को बताने के लिए हम लोग कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हैं, जिन क्वांटिटीज को कलेक्टिवली हम कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। तो एक टर्म हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो टू एक्सप्रेस कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज हाउ मच सॉल्यूट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। सम क्वांटिटीज आर यूज्ड, सम क्वांटिटीज आर यूज्ड कलेक्टिवली कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म, इसी को हम कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। तो यहां पे वेरियस काइंड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास आएगा, वेरियस काइंड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। इसमें हमारे पास याद होगा ये बातें बहुत सारी हम लोग ऑलरेडी मूल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे जितना जरूरत है उतना ही डिस्कस करेंगे, वहां पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए भी हुए हैं। तो यहाँ पे जितना काम का चीज होगा उतना यहाँ पे बताया जाएगा। मोलारिटी हो गया, ये हमारे फॉर्मेलिटी हो गए, फॉर्मेलिटी, ये हमारा नॉर्मेलिटी हो गया, फिर यहां पे हमारे पास कौन सा था, मोलालिटी था, इसके बाद हमारे पास जो था वो इसमें हमारे पास आया मास, ये मोल परसेंट, मास फ्रैक्शन, मास परसेंट, मतलब ये परसेंटेज की बात हो गई, मास परसेंट। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ, इसको ग्राम पर लीटर भी लिखते हैं। फिर हमारे पास आ गया ppm, पार्ट पर मिलियन। इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, मतलब सॉल्यूशन के कंपोजिशन को बताने के लिए कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व है या कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसको बताने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का हम यूज करेंगे और इन्हीं के टर्म में हम सॉल्यूशन के कंपोजिशन को बताते नजर आएंगे। क्लियर है बात?